तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की यूनिक रेसिपी। आप इस रेसिपी को बैंगन का फिंगर चिप्स भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी होते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जो बच्चे बैंगन खाना पसंद नहीं करते हैं, आप इस रेसिपी को बनाकर खिलाएं, गारंटी के साथ उन्हें बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। बैंगन फिंगर चिप्स बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह के हमने बैंगन लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने हरे बैंगन का यूज़ किया है। अगर आपको ये ना मिले तो आप यहाँ पे पर्पल वाले भी बैंगन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हम छील लेंगे। यहाँ पे बैंगन को हमने पील कर लिया है और इसे हम पील करके तुरंत ही यहाँ पे हमने पानी लिया है, इसमें डाल देंगे ताकि बैंगन हमारे काले ना पड़े। इसी तरह से हम सभी बैंगन को पील कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने सभी बैंगन को पील कर लिया अच्छी तरह से। इसे हमने पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना पड़े। साथ ही यहाँ पे हम एक चम्मच नमक डालेंगे ताकि बैंगन हमारे थोड़े से हार्ड हो जाए, सॉफ्ट ना हो। इसे इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, उस पर हम एक एक बैंगन इस तरह से हम पतले पतले कट कर लेंगे। इस तरह से रख के इसे लास्ट में हमें इसे इस तरह से जॉइंट ही रखना है। इसे हमें पूरी तरह से कट नहीं करना है, आप देख सकते हैं, ताकि एक एक फिंगर चिप्स हमारे अच्छे बने। अब इस दूसरी तरफ से भी हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसे भी हम पानी में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सभी बैंगन को अच्छी तरह से कट कर लिया है। यहाँ पे इन्हें पानी में हमने डाल दिया है ताकि हमारे बैंगन काले ना पड़े, ये अच्छी तरह से डूब जाए। इसलिए इस पे हमने वजन एक कप रख दिया है ताकि बैंगन अच्छी तरह से डूब जाए और बैंगन हमारे सॉफ्ट ना हो। चलिए, इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे फिंगर चिप्स में। एक चौथाई चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, एक चौथाई चम्मच यहाँ पे हम जीरा पाउडर डालेंगे। फिंगर चिप्स को यहाँ पे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा चम्मच यहाँ पे चाट मसाला लिया है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो यहाँ पे आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही यहाँ पे फिंगर चिप्स को हम कुरकुरे क्रंची बनाने के लिए यहाँ पे हम दो चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। आप इसके जगह पे अरारोट और चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच मैदा, ये बाइंडिंग का काम करेगा। नमक स्वाद अनुसार, हमने पानी में भी नमक को डाल रखा है फ्रेंड्स, उसका ध्यान रखें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, हमारे पेस्ट में लम्स बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो हमारे फिंगर चिप्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। देखिए, हमने एक अच्छा सा पेस्ट इसका बना लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। हमने इस कप का यहाँ पे 1.5 कप का यूज़ किया है पानी का यहाँ पे हमने। अब यहाँ पे हमारे बैंगन आप देख सकते हैं एकदम ये थोड़े से हार्ड हो चुके हैं, एकदम नरम नहीं पड़े हैं ये। चलिए, इसे हम एक एक निकाल लेते हैं पानी में से। यहाँ पे हम कपड़े की सहायता से यहाँ पे इसे हम पोंछ लेंगे ताकि इसमें से पानी का मॉइस्चर निकल जाए। हमने यहाँ पे जो मसाले का पेस्ट बना के रखा है इसमें हम एक एक बैंगन डालेंगे। इसे इस तरह से हम लगाएंगे इसमें ताकि सभी जगह अच्छी तरह से लग जाए। ध्यान रखें फ्रेंड्स, मसाले अंदर तक जाने चाहिए तभी हमारे फिंगर चिप्स अच्छे बनेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने मसाले अच्छी तरह से लगा लिए हैं। इसे इस तरह से थोड़ा सा रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा मसाले इसमें से निकल जाए। यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, इसमें डालेंगे हम और इस तरह से हाथों से चारों तरफ हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह से अंदर से खोलते हुए अंदर तक लगाएंगे। फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं,
अगर ना मिले तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। देखिए सभी बैंगन इसमें अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, इस तरह से प्लेट पर रखेंगे। इसी तरह से हम सभी बैंगन को लगा लेंगे। यहाँ पे हमने सभी बैंगन को ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। अब इसे हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में हमने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इस तरह से एक एक बैंगन हम इसमें डालेंगे। इसको ऊपर से हम तेल इस तरह से डालेंगे ताकि हमारे बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो। मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो हमारे फिंगर चिप्स नरम पड़ जाएंगे और बहुत ही ऑयली बनेंगे हमारे फिंगर चिप्स। एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तब इसे हम पलटी करेंगे। देखिए एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं, इसे हम इस तरह से पलट देंगे चिमटे के सहारे से ताकि हमारी दूसरी तरफ भी फिंगर फ्राई अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम लो ना करें, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करें, तभी हमारे फिंगर चिप्स अच्छे बनेंगे। इस तरह से अलटते पलटते हम चारों तरफ से बैंगन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बैंगन के फिंगर चिप्स हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसमें से। इसे एक प्लेट पे हम निकाल लेंगे। देखिए कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं हमारे फिंगर चिप्स। इसी तरह से हम बाकी बैंगन भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बैंगन के फिंगर चिप्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमारे बैंगन के फिंगर चिप्स बनकर तैयार है। आलू के पनीर के फिंगर चिप्स आप सभी ने बहुत ही खाए होंगे। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें, गारंटी के साथ सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।